दोस्तों, जिन दिनों भारतीय वर्चस्व अधोपतन के गर्त में गिर पड़ा था और उसकी दुर्दशा से दूरवर्ती विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैली हुई थी, उसी समय एक क्रांति का जन्म हुआ और ये क्रांति महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानेंगे तथा बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बातें भी यहाँ पर अपन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपका बौद्ध धर्म है, इसका संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुदोधन था। इनके जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिम, गोपा, मदकचना भी मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण के बारे में। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वा कर भिक्षुओं का कासाय वस्त्र धारण किया था। उन्होंने 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रय में आए। इसके बाद उन्होंने उरुवेला, जो बोधगया में है, के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जो पुनपुन नाम से भी जानी जाती है, तो निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से सिद्धार्थ तथागत कहलाए। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कादिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? वो है श्रावस्ती। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको अगले वीडियो में बताएंगे।